फ्रेजाइल साइंसेस से मसाइल हल हो सकते हैं। और पिछले प्रोग्राम में बड़ी खूबसूरत बात हुई थी लास्ट पे कि इंसान अपने आप को क्या समझ, क्या मादी दुनिया मिल के सारे कुछ हम ऐश करेंगे और हम वो कर मौजे करेंगे और बहुत मौज की ज़िंदगी गुजारेंगे। नो नो, ये गलत फहमी है आपके। वही तो अज़ाब की दुनिया है। जितने आपके पास ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी होते हैं उतने ज़्यादा आप अज़ाब के। लेकिन हमारी मजबूरी है चूँकि दुनिया इतनी आगे बढ़ रहे हैं, इतनी आगे जा रहे हैं मादा परस्ती में, हमें मजबूर है कि उनके साथ एक लेवल में रहना पड़ता है। वरना अगर थोड़े से नीचे है तो दूसरे अकवाम दूसरों पर काबू पा जाते हैं और उनको जो है ना पकड़ लेते हैं, वो फिर दब जाता है और कभी वो उठ नहीं सकते। एक बार आपके घर में इस्तेमार आए, आपके कंट्री में इस्तेमार आ गया तो बस गए कंट्री, वो बस गए और उसकी कोई चीज़ काम नहीं करेंगे। कभी बिजली काम नहीं करेंगे, कभी कुछ और मसाइल होते हैं, कभी कुछ और मसाइल होते हैं, कभी बम धमाके होते हैं, कभी फलां होते हैं, कभी ये लोग मरते रहते हैं, कोई इंसान की अहमियत नहीं होती है, कोई क्या नहीं होते। तो उस वजह से इंसान जो है ना वो तो इसलिए हमें आगाही के लिए एक कौम को दूसरा कौम के साथ यूँ चलना होता है। हाँ, अगर यही कौम ऊपर जाए तो ये भी वो करता है कि उसको जेर करने की कोशिश करता है। बस ये नेचर है कायनात में। मैंने जंगल में देखा कि एनिमल में भी यही चलते हैं कि अगर कोई बड़ा ताकतवर है वो बड़ा गुरूर में होते हैं और सत पे राज करते हैं। तो इसी तरह इंसानों में भी ऐसा ही है कि वो अगर थोड़े से उनकी ताकत ज़्यादा है तो वो फिर एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कौन बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, मैं नदीम बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी नदीम, कैसे हैं? शुक्र है लाहौर लाहौर से कॉल आए। सर मैं कुछ ज्वाइंट जो थे ज्वाइंट की तीन मांग के बारे में पूछना चाह रहा था जी नदीम जी, उनका क्या इलाज किया जाए और कैसे उनको हील किया जाए। किन को है ज्वाइंट के जो जी प्रॉब्लम? मेरी मेरी वालदा को है, वालदा वो बहुत उनके घुटनों में रहती है अभी। उम्र कितनी है? उम्र उनकी 45 के करीब है। अच्छा, हाँ तो 45 के करीब बस वाकई घुटनों के दर्द तो स्टार्ट होते हैं। जी लेकिन यह है कि ये पहला फिर स्टेज है और फिर वो खुदा ना करदा बढ़ते जाते हैं। आप क्या है उनको, कोई रोमाटिज्म है, आर्थराइटिस है, क्या प्रॉब्लम क्या है? जी उनको हम लोग ना गांव से ताल्लुक है, तो फिर वो गांव में उठना बैठना या कुछ काम वगैरह करना, तो बाद में उनको ना घुटनों में काफी पेन होती है। जी, वजन ज्यादा और है? वो अभी भी वो बैठी हुई थी तो काफी उनको दर्द महसूस हो रही है, तो जी ठीक है, मैंने कहा मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ बिल्कुल सही। कि अच्छा, एक तो वजन के ज्यादा होने की वजह से भी घुटनों में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जी। क्योंकि ऊपर से इतना वजन होते हैं वो उसके ऊपर प्रेशर आ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। और कमर में भी इस तरह प्रॉब्लम आ जाता है क्योंकि कमर बिल्कुल यू यू हो जाते हैं, सीधी कमर होनी चाहिए ना, तो वो थोड़ा सा उसमें गैप आ जाते हैं। वो मोरे जो है ना एक दूसरे के और जो आसबी रिश्ते हैं वो एक दूसरे के प्रेशर में आ जाते हैं, तो उसी शाडी का पेन भी शुरू हो जाते हैं, कभी जोड़ों के दर्द भी शुरू हो जाते हैं उस वजह से। तो ये इंशाल्लाह समदा हीलिंग और इस चीज़ों में हम कोशिश करेंगे इनका इलाज हो जाए। मैं नदीम, मैं आ रहा हूँ 5 को लाहौर आ रहा हूँ, मैं 5 को आने वाले महीने के 5 को मैं लाहौर आ रहा हूँ। तो आप इस तरह करें कि अपनी अम्मी को साथ लेते हुए आप खुद भी आ जाएं, खुद भी ट्रेनिंग भी ले और उनके भी फिर आप इलाज कर, अपना भी कोई जिंदगी में अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये आपको एनर्जेटिक रखता है, पावरफुल रखता है, ताकतवर रखता है, माइंड काम करने लगता है, दिमाग जहन काम करने लगता है। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि हमें मादी दुनिया में भी आगे बढ़ना होता है क्योंकि इसका इस दुनिया में आजकल इंसानों के पे तजारत हो रहे हैं ना, तो हम चाहते हैं कि हम भी जो है ना उस लोगों के साथ आगे बढ़ते हुए एक लेवल में आ जाएं।
वरना जो दूसरे जो ताकतवर अकवाम है ये बाई नेचर ऐसे इंसान की तारीख आप स्टडी करें, जो भी अकवाम ताकतवर है दूसरे अकवाम के को जेर करने की कोशिश की उसने जी। तो हम चाहते हैं कि हम जब आप लाहौर में आएंगे तो मैं आपसे जरूर मिलूंगा। हम ये चाहते हैं कि हम हमेशा एनर्जेटिक रहे, पावरफुल रहेगा हर मैदान में हर वक्त जी। मैंने काफी आपके बारे में पढ़ा है और मैं लास्ट सेशन में आपसे मिला भी था जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इंशाल्लाह एक बार जरूर क्लासेस वगैरह अटेंड करूंगा। अच्छा, लास्ट सेशन में आप लाहौर में आए थे, पीसी होटल में आए थे? जी हम पीसी होटल में आए थे जी। ने जी, बहुत अच्छा। हमारे साथ वो कर्नल साहब भी थे, हमने इकट्ठे सारा कुछ किया। जी 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 हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत अच्छा और बड़े अच्छे। फिर तो माशाल्लाह आप जरूर आएंगे कि अगर आपने एक बार लेक्चर अटेंड किए, एक बार अगर आपने लेक्चर अटेंड किए तो फिर तो आपको बहुत से चीजों का अंदाजा हुआ होगा कि इसलिए मैंने आपसे पूछा था वालदा का। मैं इसके जरूर लें, वालदा की खिदमत करनी चाहिए और वैसा भी अगर आपके हाथों से वालदा की दर्द दुख दूर होता है तो कितना खुशी होता है, कितना सवाब है ना। जी बिल्कुल, बहुत नदीम बहुत अच्छा। और कुछ कहना चाहते हैं? हमारी टॉपिक है आज की, जो हमारे टॉपिक है वो है क्या जिल साइंसेस मसाइल हल कर सकते हैं। जाहिर है आपने देखे और वो स्टूडेंट्स की अच्छा, ये ऑनलाइन जा रहा प्रॉब्लम है, जरा घर से बाहर रहा हूँ इसलिए मुझे देख नहीं पा रहा। हेलो नदीम, ऑनलाइन जा रहे? अच्छा, ये तो आपने बड़ी अजीब बात कही। अच्छा चलो ठीक है नदीम, इंशाल्लाह आपसे फिर बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू। मुझे पता था ना कि आपने बैठना है तो फिर मैं ट्राई कर रहा था, मैंने कहा सर से बहुत डॉक्टर साहब से बात हो जाए। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम आपने कॉल किया हमें। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह मिलेंगे लाहौर में मिलेंगे नदीम आपसे, और जरूर अपनी वालदा को अपने दूसरे दोस्तों को इन्वाइट करें उस तरफ आ जाए, सवाब भी है और वो लोग आपको दुआएं देंगे और वो आपको एक इस तरह के ग्रेट मकाम पे देख के आपसे शुक्रिया अदा करेंगे। उनके लिए आपके एक वैल्यू होंगे आपके दिल में, उनके दिल में आपके लिए। तो वैसा भी इलम है और इलम से रोशनास करना किसी को ये बड़ी ज़रूरी होती है कि हर इलम से हम रोशना हो ताकि अल्लाह ताला की जो बड़ी नियामतें हैं उनको हम दरियाफ्त करें, इस दुनिया को मुसख़र करने की कोशिश करें, कायनात को मुसख़र करने की कोशिश करें। तो अल्लाह ने हमें इंसान को ये ताकत दी, अता किए है ताकतों को, पावर को, हम कायनात को मुसख़र कर सकते हैं और हम इस काबिल है, और बिल्कुल इस काबिल है हम कायनात को मुसख़र कर सकते हैं। और एक कॉल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कौन बात कर रही है? जी मैं शफाना बात कर रही हूँ पिंडी से। जी 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 बिल्कुल, आप बताएं प्लीज आज आप हमारे टॉपिक है क्या जिल साइंसेस मसाइल को हल कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं हल कर सकते डॉक्टर साहब, मैंने तो खुद अपने ऊपर आजमाया है और मैंने देखा है। अच्छा आप स्टूडेंट है हमारे, बहुत अच्छा माशाल्लाह। जी, मैंने खुद अपने ऊपर मैंने देखा है कि मैं बहुत चेंजिंग मैंने अपने अंदर महसूस की है। अच्छा जी, अच्छा जी। और देखो मुझे बैकबोन का मसला था और काफी अच्छे से कई सालों से, और एक मेरी तकलीफ थी तकरीबन मुझे उस तकलीफ को 25 साल हो गए और वो बिल्कुल भी ठीक हो रही थी, बहुत मेडिसिन मैंने यूज की है, लेकिन इस तजर्बे के बाद आपके इलाज के बाद मैं बहुत ज्यादा अपने आप में बेहतरी फील की है, मैं एक्टिव हो गई हूँ, मेरे इतने मसाइल हल हुए हैं, मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपकी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको और खुशियाँ दे और ताकतें दे और बहुत अच्छा। और आप दूसरों की हेल्प कर रही है इलाज? जी बिल्कुल, मैं दूसरों की मदद कर रही हूँ और मैं तो सिर्फ इलाज की खातिर गई थी और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इस तरह। जी 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 बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह और ताकतें देंगे और पावर देंगे और अच्छे से इंशाल्लाह। आपकी आवाज़ थोड़ा सा कम आ रहे।
जी आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रहा है, आई थिंक मोबाइल से आप बात कर रही है तो इस वजह से आपकी आवाज़ नहीं आ रहा है। आइंदा में आप हमें कॉल करें, दोबारा करें, पीटीसेल से करें आप हमें कॉल। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। आप स्टूडेंट हैं और बहुत मैंने बहुत से सवालात करनी थे आपसे, बहुत सी बातें करनी थी आपसे, लेकिन बस वो इलेक्ट्रॉनिक्स की भी आजकल बड़ी प्रॉब्लम्स है, इस इलेक्ट्रिसिटी वैसे हमारे उसमें कम है तो रेडियाई भी मेरे ख्याल में कम हो गई ना। अच्छा तो प्रॉब्लम्स के हल अल्लाह ताला करते हैं और ये बिल्कुल क्योर होते हैं, बस तलाश करें आप, तलाश बड़ी ज़रूरी है। एक कॉलर है मेरे साथ, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर जी, आप कौन बात कर रहे हैं? जी मैं आमिर नईम बात कर रहा हूँ। आलम? आमिर नईम। आमिर नईम सर। आमिर नईम साहब जी जी प्लीज, आप हमारे आज का टॉपिक है क्या असल साइंसिस मसाइल को हल कर सकते हैं? बिल्कुल, मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, अल्लाह का शुक्र है। और मैं तो कहना चाहूंगा कि अगर कोई मसाइल का हल है इस वक्त जैसी सिचुएशन है तो आई थिंक वो सिर्फ जीरो साइंसिस है। अच्छा 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 अच्छा, कोई भी कॉलर अगर मुझे कॉल करते हैं तो सबसे पहला ये कहें कि हम आपके स्टूडेंट हैं ताकि मैं उसी तरह की उससे बात कर सकूं। हमारे स्टूडेंट यानी आवाज नहीं आ रही आपको? जी डॉक्टर अभी आवाज आ रही है। अच्छा मैं ये भी कहना चाह रहा था कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने काफी लोगों को लिंक भी दिया और बहुत अच्छे रिजल्ट है, तकरीबन 90% पॉजिटिव रिजल्ट थे। मैं भी कहना चाहूंगा कि जो रील साइंसेस है इट्स रियली नॉट लेस देन ब्लेसिंग फॉर आवर कंट्री ना। जी जी बिकॉज यू नो वी कैन प्राउड ऑफ रील साइंसेस इन पाकिस्तान। एक ऐसी चीज है जो दुनिया में हमसे कोई इतने कम्पीट नहीं कर सकता, इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, बड़ी ताकतवर, बड़ी जबरदस्त बात कही आपने, हम बिल्कुल काम में आ गए थे। और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि लोगों को जो डिसअपॉइंट हो चुके हैं बाकी चीजों से उनको अपनी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। वेरी क्विक रिस्पॉन्स होता है, बहुत अच्छा, बहुत जल्दी इसमें जो है वो इंशाल्लाह बिल्कुल हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। इस दफा आप लोगों ने इतनी बड़ी रिजल्ट दी है, इतनी बड़ी खुशी मिली आज जो पिंडी इस्लामाबाद में बहुत बड़ी क्लास हो गई और बहुत मुझे खुशी हुई। और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम ऐसे सेशन देखे, अब जैसे आप कहते हैं ना डीएसएल, तो ये तो ऐसी चीज है जो लोगों के लिए एक मतलब है, रियली लाइक नूर है, ये रोशनी है जो कि करनी चाहिए, जो लोगों को आइडिया होना चाहिए। बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है लोगों को वो डिजीज का है, जो बीमार है वो कुछ भी नहीं कर सकते। बिकॉज फिटनेस नॉट हेल्दी इज नथिंग। जी जी एक्सरसाइज तो सिर्फ हेल्थ होती है ना, अब अल्लाह के फजल से ठीक होती है तो बंदा सब कुछ कर सकता है, वो जिंदगी में कामयाब करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो आपके ऑफिस में भी था, लोगों से मेरा अच्छा रिलेशन नहीं है, क्योंकि मैंने एहतमाम किया उनके इतने अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट है, सब सब लोग मुझसे खुश है, मैं बहुत हंसी मिला, सब कुछ बहुत है अच्छी तरह वर्किंग, मेरे जो है वर्किंग पोटेंशियल है उसमें कोई नहीं आई है अलहमदुल्ला। जी बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया आपने, बहुत अच्छा कि आपने ज्वाइन किया और उम्मीद है दूसरे लोगों को और ज्यादा, पहले भी आपने हेल्प की है और दूसरे लोगों को हेल्प की है, दूसरे लोगों को और ज्यादा इस तरफ रागब करें तो इसी में इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे आप लोगों के इस दफा लाहौर इस्लामाबाद में, बहुत अच्छे, बहुत बहुत ज़बरदस्त रहा, तो इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह और हमारे यहाँ पर भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स है अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को बड़े अच्छे फ़ायदे हैं कराची में और बहुत हैरान कुन किस्म के होते हैं।